Assalamualaikum, Assalamualaikum Pakistan. This is RJ Manur and you are listening special transmission of FM 100. हमें है प्यार पाकिस्तान से और किस तरह आप इस दिन को मना रहे हैं, किस तरह डिफेंस डे जो है वो मना रहे हैं, आप हमसे शेयर कर सकते हैं थ्रू कॉल्स एंड थ्रू मैसेजेस और आपसे बातों का सिलसिला जारी रहेगा. चूंकि ब्रेक चल रही है तो मैंने सोचा कि फेसबुक पे कनेक्ट करूं अपने तमाम लिसनर्स के साथ जो कि हमें फेसबुक पेज पे ज्वाइन जिन्होंने किया हुआ है और आज के दिन के हवाले से कोई बात करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं कि किस तरह ये दिन आप मना रहे हैं, किस तरह जो है आप जो नॉलेज है आपको इस दिन के हवाले से कुछ पता है तो बच्चों को बता रहे हैं, कजन्स को बता रहे हैं या जो है बस मिले नगमे सुन के मना रहे हैं जो अक्सर औकात लोग करते हैं जिन्हें जो है वो समझते हैं कि शायद यही तरीका है जिस तरह हम 14 अगस्त मनाते हैं, 23 मार्च मनाते हैं समटाइम्स. लेकिन इस दफा जोश जज्बा बड़ा डिफरेंट सा है, एक खूबसूरत सा थीम है जिस पे तमाम जो है हम तमाम प्रोग्राम्स हमारे डिजाइंड हैं, दैट इज हमें है प्यार पाकिस्तान से. और आपको प्यार है पाकिस्तान से तो आप पाकिस्तान के लिए कोई मैसेज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, डिफेंस डे के हवाले से कुछ शेयर कर सकते हैं, हमारी ट्रांसमिशन सुन सकते हैं. रात 12 तक हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन चलेगी डिफेंस डे के हवाले से. मिर्जा अमीन ने हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, वालेकुम सलाम. और इसके अलावा हमारे साथ सादिया खान रही इस्लामाबाद से. अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं कि किस तरह दिन अपना मना रहे हैं तो आप हमें बता सकते हैं. इसके अलावा एक आसान सा सवाल मैंने आपसे पूछा है कि आज तक पाकिस्तान में कितने लोगों को निशाने हैदर मिले, ये आप बता सकते हैं. और कैसे बता सकते हैं, आपने मुझे मैसेज करना है 3636 पर. इसके अलावा जो है आप मुझे कॉल कर सकते हैं 111111100 पर. लाइन अभी ब्लिंक करी, ऐसे करती हूँ कि अभी नहीं सुनती क्योंकि अभी मैं आपसे फेसबुक पर कनेक्टेड हूँ तो बाद में सुनूंगी कॉल्स और साथ साथ बताऊंगी कि किसने सही जवाब दिया कि आज तक पाकिस्तान में कितने लोगों को जो है निशाने हैदर मिल चुका है. और हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद शहरियार इरफान ने, उस्मा सईद है हमारे साथ एंड जाहिद मसूद है और क्या कह रहे हैं, शेयर द हैप्पीनेस टू वर्ल्ड, वी आर पीस लवर्स. यस वी आर पीस लवर्स और समथिंग ऐसे होता है कि पीस प्रिवेल करने के लिए हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं कि जिससे सोसाइटी में पीस प्रिवेल हो और अपने आप को डिफेंड करना पड़ता है, क्योंकि जब हम अपने आप को डिफेंड ही ना करते तो वो चीज़ आगे बढ़ती रहती है बढ़ती रहती हो. और इसी तरह हमने अपने आप को डिफेंड किया और आज हम फख्र से कह सकते हैं कि हम कहीं झुके नहीं हैं, हम दुश्मन के आगे कभी हमने घुटने नहीं टेके. इसके अलावा हमारे साथ कौन है, मोहम्मद शहरियार इरफान है, थैंक यू सो मच, यू आर लविंग द वॉइस एंड द प्रोग्राम. हमें ज्वाइन किया है उज्मा ने. इसके अलावा अगर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं तो अभी फेसबुक लाइव पे आ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 111111100 पे. सुमैया सईद है हमारे साथ, साकिब हाशमी ने हमारे साथ दिया, मलिक वहीद, फराज अहमद हमें सुन रहे हैं एंड क्या लिखा है जी मिर्जा ने, मिर्जा आमीन ने भारतीयों को तारीख याद दिला दी. देखिए भारतीय हो, पाकिस्तानी हो, अमेरिकन हो, कोई भी हो, हर बंदा जो है अपने मुल्क से प्यार करता है, अपने मुल्क को इज्जत देता है. तो एक मैसेज देना चाहूँगी इस हवाले से कि अगर आप पाकिस्तान को इज्जत दे रहे हैं ना तो दूसरे ममालिक के बारे में इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह के वर्ड्स यूज ना करें. कोशिश करें सबको प्यार अमन का पैगाम दे, वी आर द पीस लवर्स. और चाहे कोई भी हमारे ऊपर आएगा हमला करने के लिए या हमारे लिए कुछ गलत सोचेगा तो वी विल डिफेंड दैट. इसके अलावा छोड़ दें दुनिया क्या करिए, छोड़ दें कि हमने किसी के साथ क्या करना है, बस पाकिस्तान से प्यार करें, पाकिस्तान के लिए काम करें. साकिब हाशमी है हमारे साथ और क्या कह रहे हैं कि लव पाकिस्तान आर्मी, ऑब्वियसली दे आर द डिफेंडर्स ऑफ द नेशन एंड वी लव देम. और सैयद कैसर अब्बास ने हमें ज्वाइन किया, गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल, कैसा चल रहा है. बल्कि आपके तो आफ्टरनून टाइम है, लंच टाइम है इन ऑफिस जहाँ पे आज ऑफ नहीं है एंड दैट्स रियली गुड कि आज कहीं ऑफ नहीं है, ऑफ नहीं है. और इसका मतलब ये है कि हम काम करें, पाकिस्तान को सर्व करें. आई एम इन द स्टूडियो, यू आर इन योर ऑफिसेज, यू नो जनरेटिंग रेवेन्यू. तो इट मींस कि हम पाकिस्तान के लिए अपनी अपनी कैपेसिटी में रहते हुए जो हो सकता है कर रहे हैं. और इसके अलावा जी हमारे साथ सैयद कैसर अब्बास हैं, थैंक यू सो मच, आप मुझसे एग्री करते हैं. और हमें पता है क्या बचपन में शौक होता था कि छुट्टी होनी चाहिए, छुट्टी हो, घूमे फिरे, 14 अगस्त की छुट्टी हो, 23 मार्च की छुट्टी हो, 6 सितंबर की छुट्टी हो. जब हम बड़े हुए हमें पता चला कि कितनी अहमियत होती है काम करने की, मेहनत करने की, मुल्क में कितनी ज़रूरत होती है, कितना आपका नुकसान हो जाता है कि अगर आप इस तरह छुट्टियों पे चले जाएं,
काम ना करें, ऑफिसेज बंद हो जाए, कितने करोड़ों कितने अरबों का नुकसान होता है. तो फिर आहिस्ते आहिस्ते समझ आते हैं कि वाई जो ऑर्गेनाइजेशंस थी क्यों छुट्टियां नहीं देती, और दैट्स रियली गुड. संडे की छुट्टी इज इनफ आई थिंक, और जो बहुत लकी हैं वो तो सैटरडे की भी होती है. इसके अलावा कराची से अकबर खान ने हमें ज्वाइन किया, चकवाल तेलंगाना से हमारे साथ मलिक वहीद रहे, और क्या कह रहे हैं जी, लव पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. आज जो है हम आपके साथ रहेंगे रात 12 बजे तक, स्पेशल ट्रांसमिशन भी जारी रहेगी हमारी आपके साथ, और साथ ही हेड भी पड़ा हुआ ताकि साथ मिलने में सुनते हैं ना, तो हम साथ साथ पेन भी लेते हैं, बड़ी फीलिंग अच्छी आती है, सिर्फ बच्चों को नहीं बड़ों को भी आती है. एंड इसके साथ साथ अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोई किस्सा कहानी जो आपके पेरेंट्स फोर फादर्स ने शेयर किया डिफेंस डे के हवाले से, उस वक्त के हवाले से जब वो कुर्बानियाँ दे रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे अपनी आर्मी को, तो आप हमें शेयर कर सकते हैं हमारे साथ. जाहिद मसूद ने क्या बोला है जी, नफ़रतें पहले बहुत हैं, हमें एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए और इसको फ़रोग देना चाहिए. बेशक कोशिश करें कि प्यार फैलाएं अपने, कभी आप कहीं देखें ना ज़्यादा फसाद होता है, बुराई होती है, किस चीज़ की कमी होती है, प्यार की. कोशिश कीजिए कि एक दूसरे से प्यार करें इंसान होने के नाते, एंड लव ईच अदर विदाउट एनी एजेंडा. किसी से फायदा लेने के लिए नहीं, किसी और चीज के लिए नहीं, वो इंसान है, वो पाकिस्तानी है, उससे इसलिए प्यार करें. सैयद कैसर अब्बास हम कह रहे हैं एवरीवन इज इक्वल इन माय साइट, यस यू आर राइट. आबिद मुगल ने कहा है प्ले समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेशनल सॉन्ग. नेशनल सॉन्ग्स तो सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, ऐसे हैं कि सुन के ना दिल को ठंडक पड़ जाती है, सुकून हो जाता है, अच्छा लगता है कि यार क्या शायर थे जिन्होंने इतनी खूबसूरत बातें लिखी, और हम सब के दिल की आवाज़ है वो. प्लीज प्ले दिल दिल पाकिस्तान, इट्स नॉट अ रिक्वेस्ट बट आई ट्राई माई बेस्ट टू प्ले इट. इसके अलावा हमारे साथ आबिद मुगल रे, साकिब हाशमी ने हमारा साथ दिया. कैसर आवाज कह रहे हैं कि प्ले कर दे तुम ही से या मुजाहिद हो. जी बिल्कुल प्ले करेंगे, ट्राई करेंगे कि प्ले करें, और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, डायल कर सकते हैं 111111100 एंड मैसेज कर सकते हैं 3636 पर. मुझे लगता है बड़ा लंबा हो गया मेरा लिंक और काफी देर हो गई, ऐसा कहते हैं अब चलते हैं, थोड़ी देर ऑन एयर आपसे मुलाकात होगी, फिर ऑनलाइन आऊंगी. जी कौन है हमारे साथ, इराक से हमारे साथ नुमान नोमी है और कह रहे हैं जी हमें है प्यार पाकिस्तानी फौज से. हैप्पी डिफेंस डे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अक्रॉस द यू नो अक्रॉस द ग्लोब, और आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी है, हमें ज्वाइन करें, हमसे शेयर करें आज के दिन आपकी क्या फीलिंग्स है, क्या आप सोच रहे हैं आज, और क्या मैसेज देना चाहते हैं पाकिस्तान को. बचपन याद आ रहा है जब स्कूल में आप डिफेंस डे मनाते थे. शानी खान है हमारे साथ, मेरी तरफ से पाकिस्तान आर्मी को सलाम एंड आई लव पाक आर्मी. पाक आर्मी के जो भी नौजवान आपको सुन रहे हैं, जो माएँ सुन रही हैं, जो बहनें, जो बेटियाँ बीवियाँ सुन रही हैं, जो सपोर्ट करें ऐसे लोगों को कि बाहर जाएँ, सरहदों पर जाएँ, मुल्क की खिदमत करें, मुल्क की हिफाजत करें, उन तमाम लोगों को सलाम, और उन तमाम लोगों को सलाम जो डिफरेंट ऑफिसेज में बैठे हैं, डिफरेंट जगहों पे बैठे हैं, काम करें, उन तमाम स्टूडेंट्स को सलाम जो कि पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से तालीम हासिल कर रहे हैं, उन तमाम डॉक्टर्स को, नर्सेस को, उन तमाम प्लम्बर्स को, उन तमाम मजदूरों को जो रोड्स पे, उन तमाम लोगों को सलाम जो कि मेहनत से कमा रहे हैं और गलत जो है वो मीन्स नहीं यूज़ कर रहे. नौजान क्या कोई नेशनल सॉन्ग लगाएं, जी लगा देंगे. इसके अलावा इमाम अली हैं हमारे साथ और वो क्या कह रहे हैं जी, इस्लामाबाद से हमारे साथ नेशनल सॉन्ग चला दें. जी नेशनल सॉन्ग्स की बड़ी रिक्वेस्ट है और नेशनल सॉन्ग चला रहे हैं, वही चलाएंगे, वही चलते रहेंगे, और मुझे लग रहा है बड़ी वीडियो लंबी होगी, तो ऐसा करती हूँ आपके साथ ऑन एयर आती हूँ. एक्चुअली मुझे लोग ज्वाइन किए जा रहे हैं ना, तो मैं साथ साथ फिर गपशप चला सिलसिला जारी रखी. सिस्टर योर नेम साकिब हाशमी हमारे साथ, दिस इज आरजे महानूर. मैंने शायद अपना नाम नहीं बताया था, भूल गई मैं शायद. दिस इज आरजे महानूर और आप सुन रहे हैं कीपिंग द लेगेसी अलाइव, जिसमें हम बात करें उन तमाम लोगों के नाम जिन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन किया है, उन तमाम लोगों के लिए, चाहे वो अब्दुल सत्तार ईदी हैं, चाहे वो कोई भी है, वो लोग जिनको इतनी ज्यादा हाइप नहीं दी जा सके मीडिया के थ्रू, या वो लोग जो अपने अपने लेवल पे काम करें, या अपने घर में भी हैं और एक अच्छे तरीके से लोगों की तरबियत करें, अपने बच्चों की तरबियत करें, तो ये तमाम प्रोग्राम आप तमाम लोगों के नाम. इराक से हमारे साथ जो है नुमान ने क्या कहा, प्लीज प्ले मेरे वतन यकीदतें. जी जी बिल्कुल प्ले करेंगे.
बस प्ले करती हूँ आपके लिए प्ले प्लीज. तो ऐसे करती हूँ ब्रेक खत्म होती है प्ले करूंगी और उसके बाद आऊंगी आपसे बातें करूंगी. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी. मुझे सुनते रहिए. डायल कीजिए 111111100. ड्रॉप अ मैसेज एट 3636 एंड हैव अ लवली डे टू ऑल लिसनर्स ऑफ एफएम 100. दिस इज योर आरजे मानूर सेइंग बाय बाय साइनिंग आउट फ्रॉम फेसबुक. लेकिन आऊंगी इस माइक के थ्रू आपके साथ. मेरा साथ रहेगा क्योंकि आवाज का ये रिश्ता कायम और दायम रहेगा. सो टेक केयर. बाय बाय. अल्लाह हाफिज़.